तो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर ओआईटी के। तो आज हम जो मूवी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वन डे, जो कि आई थी 2011 में। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्टिंग 15 जुलाई 2006 से होती है, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है एमा। एमा वहाँ से अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन डिग्री ले रही होती है। वहीं पर एक और लड़का हमें दिखता होता है जिसका नाम होता है डेक्स्टर। ये दोनों काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, पर दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। जब भी पहली बार मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए सेक्स के लिए जाते हैं, जो कि इंटीमेट होने के लिए जाते हैं, पर दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों में से किसी ने भी पहली बार ये नहीं किया होता है। वो दोनों पहली बार ही ये चीज़ कर रहे होते हैं। वो दोनों इसीलिए इस चीज़ को नहीं करते हैं। वो दोनों इस चीज़ में घबरा के इस चीज़ को मना कर देते हैं। देन वहाँ से एमा अपने रूम के बाहर आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ पर लेट जाते हैं, वो दोनों इंटीमेट नहीं हो पाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एमा माँ वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वह ना वो दोनों जब ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तब एमा ने उससे कहा कि क्या तुम अब हमारे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, हम दोनों अब एक दोस्ती की तरह रहेंगे, क्योंकि अब हमारा रिलेशन ज़्यादा आगे का नहीं होगा। तो उनका रात में इतना नहीं हुआ, पर वो रात में कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। ये चीज़ की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि दोनों एक बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों आगे सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में एमा और डेक्स्टर एक जगह पर जा रहे होते हैं, जो कि होता है चर्च। वहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है कोई भी, तो वहाँ पे एमा वहाँ पे खड़ी होती है। एमा डेक्स्टर से काफ़ी अच्छे रिलेशन होते हैं। वहीं पे एक और पर्सन दिखाया जाता है, जो भी होता है शॉप का शॉपकीपर। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और लड़का आता होता है जिसका नाम होता है जेम्स। जेम्स वहाँ से अपनी सारी चीज़ें खरीदता है और एमा को काफ़ी प्रपोज करने की कोशिश करता है, पर एमा उसको काफ़ी रिजेक्ट कर देती है या उसको नेगलेक्ट कर देती है, इसलिए जेम्स उस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। अब डेक्स्टर और एमा की कॉल पे बात हो रही होती है, क्योंकि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो काफ़ी टाइम से बेस्ट फ्रेंड थे। अब वो दोनों का अपने रिलेशन को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब दोनों अपने आप को मिलने के लिए एक जगह शॉप पर बुलाते हैं। उसके बाद हमें देखा जाता है कि डेक्स्टर अपनी माँ के साथ बैठा होता है, अपनी माँ से काफ़ी देर वो बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है मूवी के अंदर की देर की डेक्स्टर के फादर भी वहीं पर होते हैं। डेक्स्टर के फादर की उन्होंने काफ़ी देर बातचीत भी होती है। तेरा में दिखाया जाता है एमा और डेक्स्टर मिलते हैं, और जी एमा और डेक्स्टर तेजे घूमने जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो कि वो शॉप पे काम कर रहे होते हैं और दोनों एक ही शॉप पे वर्क कर रहे होते हैं। अब एमा और डेक्स्टर एक जगह घूमने जाते हैं, जो कि होता है एक बीच। वो उस बीच में घूमने जाते हैं, वहाँ पर दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं। वहाँ पर अब दिखाया जाता है दोनों लोग काफ़ी बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कि उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचना चाहिए। और वो अपनी पीठ वॉश करवा रही होती है डेक्स्टर से। देन हमें आगे दिखाया जाता है कि वहीं पर बैठे बैठे सो जाते हैं सर दोनों लोग। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पे अब काफ़ी दूसरे से बात कर रहे हैं। तो फिर हमें डेक्स्टर एक लड़की के साथ दिखाया जाता है काफ़ी टाइम बाद, तो उससे पूछता है कि वैसे मैं तुम्हें पसंद तो नहीं करता हूँ, पर तुम मेरे साथ इंटीमेट होगी तो मैं इसके लिए तुमसे मना भी नहीं करूँगा और मैं तुम्हारी मन की संतुष्टि भी कर सकता हूँ। पर उस लड़की को वहाँ से इग्नोर कर देती है उस समय, तो वहाँ से डेक्स्टर भाग के निकल जाता है और वो लड़की फिर उसके साथ एग्री हो जाती है। अब हमें बाद में दिखाया जाता है डेक्स्टर और एमा सो रहे हैं। एमा सोने के बाद वहाँ से अभी नेक्स्ट टाइम बाद दिखाया जाता है एक साल बाद कि डेक्स्टर अब एक नशेड़ी हो चुका है और एक जगह पर वर्क भी करता है और वो किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि अब उसके हर काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स भी चल रहे हैं, क्योंकि वो एक नशेड़ी हो चुका है। वो डेक्स्टर की बात बंद हो चुकी है एमा से। वो डेक्स्टर एक छत पे खड़ा है, अपने नेक्स्ट शो के प्रूफ की तैयारी कर रहा है। अब डेक्स्टर एक जगह जाता है जहाँ पर उसे अपने पापा मिलते हैं। वो अपने पापा से काफ़ी देर बातचीत करता है, जो कि उसके लोन ओनर के साथ होते हैं। अब उसकी माँ से मिलता है, क्योंकि उसकी माँ को अब एक कैंसर हो चुका है, जो कि अपनी नेक्स्ट स्टेज समझ में आया है। उसकी माँ के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है जीने के लिए, तो वो अपनी माँ के पास कुछ टाइम स्पेंड करता है। और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उसकी माँ ख़त्म हो सो जाती है और नेक्स्ट डे उठती है। उसको इस चीज़ के बारे में समझाती है कि उसे अब ऐसा नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए। उसके फादर भी उसको इस चीज़ के बारे में समझाते हैं। उसके फादर वहाँ से अब चले जाते हैं उसे धीरे समझाने के बाद। जब हमें आगे दिखाया जाता है कि डेक्स्टर एक ब्रिज में अकेला खड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, और अब वो अपनी सिल्वी को वापस से कॉल लगाना चाह रहा है, जो इसका नाम होता है एमा। अब एमा माँ का अफेयर चल रहा है, यानी कि डेट कर रही है जेम्स को। अब जेम्स और मैं काफ़ी के बीच में अफेयर चल रहा होता है, क्योंकि जेम्स पहले से उसको पसंद करता होता है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेम्स एमा से बात होने के बाद एमा काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। जेम्स उसे समझाता है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। देन हमें आगे दिखाया जाता है कि डेक्स्टर के पापा वहाँ शो पे आए हुए होते हैं। वो काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, वो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं
पर हमें आगे दिखाया जाता है कि डेक्स्टर का शो होता है ये, क्योंकि अब वो न्यूज़ एंकर बन चुका होता है, अपना एक कॉमेडी शो भी चला रहा होता है जिसका नाम होता है लेट नाइट बैकिन। हमें आगे दिखाया जाता है कि डेक्स्टर एक अपनी फैक्ट्री में रहने के पीछे जा रहा होता है। आगे दिखाया जाता है हमें कि डेक्स्टर वहाँ पे बैठा है, डेक्स्टर बैठे बैठे वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों से बातें कर रहा है। वो इन्हें ना समझाता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे और मैं तुम्हें प्रपोज कर लेता अगर तुम नहीं मानती। उसे उस चीज़ के बारे में कहता है पर वहाँ से उसे इग्नोर करके चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसके साथ कुछ करे, क्योंकि वो एक नंबर का नशेड़ी हो चुका है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि डेक्स्टर का एक दोस्त यानी कि जेम्स शादी कर लेता है, क्योंकि उसके वाइफ सिल्वी प्रेग्नेंट हो चुकी है। वहीं पर उसे मिलता है कि डेक्स्टर सिस्टर के साथ में एमा मिलते हैं, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। अब जेम्स ने शादी कर लिया सिल्वी के साथ और क्योंकि उसके वो प्रेग्नेंट है, वो उसके साथ अब वो बच्ची को हमेशा केयर करना चाहते हैं। तो हमें आगे दिखाया जाता है कि एमा एक और लड़के से बात करने लगी है जो किसका नाम होता है, जो अभी बाद में बताया जाएगा। जब हमें आगे दिखाया जाता है कि 2 साल बाद 2001 में 15 जुलाई को होता है सिल्वी का बच्चा यानी कि जेम्स का बच्चा। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेम्स वहाँ पे काफ़ी सारे अब जॉब करने लगा है एक जगह पे जो कि थी फूड की दुकान। तो हमें आगे दिखाया जाता है कि सिल्वी भी वहाँ पे मतलब अपनी जॉब पे जा रही है, पर बाद में हमें पता चलता है कि सिल्वी का जेम्स के बॉस के साथ ही अफेयर चल रहा है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि दोनों लोग कंटिन्यू करते हैं अपना इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एक और लड़का जेम्स काफ़ी ज़्यादा अब डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, वो सिल्वी से मिलता है। अब वो दोनों सिल्वी की एक दूसरे को मिलने के बाद पहले वो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, सिल्वी कहती है हाँ। फिर दोनों नेक्स्ट डे फिर एक डेट पे जाते हैं या मिलने के लिए आते हैं। फिर दोनों के बीच में वही सारी वार्तालाप होती हैं जो उनके बीच में काफ़ी पहले हुई थी, पर वो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम कर रहे थे, वो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं। दोनों के बीच में काफ़ी टाइम भी हो चुका है मिले हुए। हमें आगे दिखाया जाता है कि डेक्स्टर और एनमा अब काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं और डेक्स्टर उसे प्रपोज करने वाला होता है। तभी उसे पता चलता है कि सिल्वी का एमा का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अब इस चीज़ का सदमा झेल नहीं पाया है, उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा है। तो फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब सिल्वी की बॉडी एक तरफ डेक्स्टर को दिखाया जाता है। डेक्स्टर उसी शॉप में खड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए जब उसे पता नहीं है उसके बारे में। उसे पता चलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो सिल्वी का एक और बॉडी हमें वापस से दिखाया जाता है इस सीन के लिए। अब उसके बाद हमें काफ़ी टाइम अब डेक्स्टर एकदम बोरिंग सी जिंदगी जी रहा, काफ़ी ज़्यादा दुनिया से अलग हो चुका है। उसके बाद दिखाया जाता है 15 जुलाई 2007, एक साल बाद अगले दिन वो काफ़ी चेंज हो जाता है। ये एक साल बाद नहीं, अगले दिन की कहानी है। अब वो दारू पी के वहाँ पे घूमने लगा है एक साल बाद, जो काफ़ी ज़्यादा उसी के नशे में रहता है अभी भी, क्योंकि उस पर अभी ये सब नहीं सहा जा रहा, वो अभी भी उसी नशे में है उसके कि अब उसे सिल्वी ही चाहिए। और उसके बाद अब हमें सीधे दिखाया जाता है 2 साल बाद, अब डेक्स्टर ने एक शॉप खोल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है 15 जुलाई 2009। अब वो अपने एक फूड की शॉप खोल रही है, उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें सेल करता है। वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा क्योंकि अब वो सिल्वी को हेमा को भूला तो नहीं है, पर अभी भी उसके लिए अब इतना वो नहीं है। वो दूसरी तरफ में दिखाया जाता है ऐना का पहला पुराना आशिक जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। उसे बताता है कि मैं तुमसे पहले बहुत चलता था पर मैं तुमसे नहीं चलता क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं तुम्हें समझने में बहुत देरी कर दी। फिर उसके बाद हमें एक ग्लिम्स दिखाई जाती है ना की और डेक्स्टर की, वो दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं उसी पहाड़ी पे जिसमें वो एडवेंचर कर रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हमें सीधे एक साल बाद दिखाया जाता है, वहाँ पे वो हैना के साथ नहीं होता है तो अपनी बच्ची के साथ में होता है। और यहीं पे बस इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो।